हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनस्टेप रेसिपीज़। तो आज हम बनाएंगे हलवा और काले चने की रेसिपी, जो नवरात्रि में हमेशा ही बनाई जाती है अष्टमी नवमी के प्रसाद में। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो सबसे पहले मैं शुरू कर रही हूँ काले चने बनाने की रेसिपी, जो भंडारे वाला टेस्ट देगी आपको। यहाँ मैंने काले चने को अच्छे से भिगो लिया था और इसे मैंने बॉयल कर लिया था, नमक डालकर मैंने बॉयल किया हुआ है। साथ ही मैं मसाले की तैयारी कर लेते हैं। थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर, आमचूर का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, और हल्दी का पाउडर, धनिया का पाउडर और थोड़ा सा ही जीरे का पाउडर भी हमें मिलाना है। और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसका एक गाढ़ा सा बैटर बना लेना है, जिससे कि तेल में मसाले हमारे जले नहीं। इस तरीके से मसालों को हम तैयार कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद ये मसाला हमारा हो गया है रेडी। और चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो कढ़ाई में थोड़ा सा तेल ले लेंगे। 2 बड़े चम्मच के करीब तेल ले लिया है मैंने। 1 तेज़पत्ता डाल दिया है और यहाँ पर मैंने अदरक और ग्रीन चिली को ग्रेट कर लिया था। दोनों को मिलाकर अच्छे से इसे डाल दिया है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। और ये धनिया है, खड़ा धनिया, जिसे मैंने कूट लिया है थोड़ा सा। साथ ही सौंफ है, ये भी दरदरा कूटा हुआ है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा काले चने में इसका। और ये जो हमने मसाला तैयार किया है ना, इसे अब हम डाल देंगे। और मसाला डालने के बाद इसे अच्छे से भून लेंगे। धीमी आंच पर ही बनाइएगा इसे। अच्छे से भूनने के बाद थोड़ा सा पानी मैंने इसमें डाल दिया है उसी बाउल से, और इसे मिला लेंगे। तो मसाला को अच्छे से भून लेंगे जब तक ये अपना तेल न छोड़ दे। तो तेल सेपरेट हो गया है, देख सकते हैं मसाला काफ़ी अच्छे से भून गया है। तो अब हमने जो काले चने उबाल कर रखे थे ना, उसे इसमें मिला देंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अच्छे से मिक्स करते हुए इसमें मैंने थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है। नमक बहुत ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हमने काले चने को उबालते हुए भी नमक का इस्तेमाल किया था। साथ ही डाल देंगे हरा धनिया। तो लीजिए फ्रेंड, तैयार है काला चना, बिल्कुल भंडारा वाला स्टाइल से बना हुआ। और ये कितना यमी लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड्स। तो इसे मैं निकाल रही हूँ बाउल पे। तो चलिए करते हैं अब हलवे की तैयारी। यहाँ मैंने बनाया है सूजी का हलवा। इसके लिए मैं ले लूँगी घी, सूजी और थोड़ा सा ही सेफ्रॉन मिल्क, साथ में शक्कर। साथ ही में मैंने ले लिया है थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। यहाँ मैंने लिया है बादाम और काजू। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कढ़ाई में बिल्कुल थोड़ा सा घी लेकर हमें पहले ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से भून लेना है। ड्राई फ्रूट अच्छे से भून जाएंगे, उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे और हम अपना हलवा तैयार करेंगे। तो लीजिए, ड्राई फ्रूट अच्छे से भून चुके हैं, तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। यहाँ मैंने इसे निकाल लिया है और इसी कढ़ाई पे बाकी का बचा घी डाल देंगे। और इसके बाद इसमें डाल देंगे सूजी और सूजी को अच्छे से भून लेंगे, जब तक कि ये कलर जो है इसका एकदम हल्का ब्राउन ना हो जाए। धीमी आंच पे ही रखेंगे, हमें लो टू मीडियम में ही रखेंगे, बहुत ज़्यादा तेज नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। तो लीजिए, कलर काफ़ी चेंज हो गया है इसका। तो यहाँ पर हम पानी डाल देंगे। 2.5 कप पानी डाला है मैंने। 1 कप सूजी में कम से कम 3 कप पानी लगता है, क्योंकि मैंने सेफ्रॉन मिल्क 1/2 कप इस्तेमाल किया है। तो इसमें मैंने 2.5 कप पानी और 1/2 कप के करीब सेफ्रॉन मिल्क डाल दिया है। केसर वाला दूध बहुत ही अच्छा टेस्ट और कलर देता है। साथ ही यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट भी मिक्स कर दिया है और इलायची का पाउडर, बहुत ही बढ़िया टेस्ट के लिए। और इन सभी को अच्छे से मिक्स करके हमें इसे बॉयल कर लेना है, जब तक कि घी सेपरेट ना हो जाए। अच्छे से मिक्स करते हुए हमें इसे पका लेना है। तो लीजिए फ्रेंड, दानेदार हलवा हमारा तैयार है। एकदम दानेदार, बहुत ही टेस्टी लगता है फ्रेंड। तो इस तरीके से हलवा ज़रूर बनाइएगा। तो तैयार है हमारा हलवा और चना। नवरात्र स्पेशल रेसिपी आपको कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर से कीजिएगा। फिर मिलते हैं फ्रेंड नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।